बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तैयब और आप देख रहे हैं दी डिज़ाइन मेकर। आज हम जिस टूल के बारे में सीखेंगे वो है जी पॉलीगॉन टूल। टूल बार से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट किया, ग्राफ पेपर से नीचे इसकी शार्ट की वाई है, ये इसको ड्रैग करें माउस के साथ। ये सर्कल टूल की तरह सर्कल टूल रेक्टेंगल टूल सेम उसी तरह, इसको अगर हम बगैर कोई शार्ट की प्रेस किए कंट्रोल या शिफ्ट इसे ड्रैग करेंगे तो इसकी शेप जो इसकी एक्चुअल शेप है वो नहीं बनेगी। ये इसको जैसे मर्जी उल्टी सीधी शेप बनेगी और कंट्रोल प्रेस करें और ये जो एक्चुअल शेप है ये इसको बनाएगा। शिफ्ट प्रेस कर लें फिर भी जो इसको नहीं एक्चुअल शेप में बनाएगा, कंट्रोल प्रेस करें और ये तो इसको सेलेक्ट करते ही सबसे पहले ऊपर जो प्रॉपर्टी बार में एक तो ये पॉइंट है, पॉइंट्स और साइड, और उसके साथ है जी आउटलाइन विड्थ, ये इसकी पॉइंट्स वगैरह कम और ज़्यादा करने के लिए, और ये आउटलाइन सेम पिछले टूल की तरह मोटी या ब्रीक करने के लिए। ये पांच पे है जी, इसको अब हम कम कर लेते हैं चार, को कम कर लेते हैं तीन, इसी तरह ये हमने इसकी पांच पे रख के इसको ये पेंटागोन जो है शक्ल बनती है। और यहाँ तक जो है इसका काम तो हो गया, इसके बाद इससे सारा जो काम है वो होना है जी हमारे शेप टूल से, शेप टूल F10। और ये नोड्स हैं, कहीं से भी इसको सेलेक्ट करें और इसकी जो है मुख्तलिफ शेप्स में इसको हम ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंट्रोल्स के साथ इसको स्टार की शेप बना ली हमने और इसी तरह हम इसको बाहर ले जाएं जैसे मर्जी, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको हम बढ़ाते रहें, पॉइंट्स इसके जनाब 20 कर दिए हमने। और इसके बाद जी इस पर राइट क्लिक किया टू कर्व। अब ये बड़ी ज़रा गौर से देखिएगा, एक को हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं और बाकी सारी जो है वो ऑटोमेटिक उसको चेंज कर रहा है, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त से लोगो वगैरह बन सकते हैं। ये देखें, दोबारा इसको, इसके बाद है जी ये हमने स्टार एक बनाया, इसके बाद ये देखें जी इसके जो पॉइंट्स हैं हम इनको बढ़ाते हैं 30 किए, 30 करें और इनको ये देखें जैसे भी इसमें कलर करके फिर आपको सही तरह पता चलेगा। ये देखिए कितनी प्यारी सी एक शेप बन गई है। इसी तरह आप इसे मुख्तलिफ जो है शेप्स वगैरह बना सकते हैं, और ये शेप्स के लिए ही नहीं, इनसे ये देखें ज़रा
एक मल्टीनेशनल जो ब्रांड है उसका मैं आपको, इंटरनेशनल ब्रांड है उसका लोगो बनाना इससे बहुत ही आसान है। ये देखें जी, ये ट्रायंगल हमने लिया शेप टूल कंट्रोल के साथ। ये देखें जी, आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें दायरा और ये आराम से जो है लोगो हमारा बन जाता है। इसमें कलर वगैरह तो बात की बात है, वो जैसे मर्जी इसमें कलर वगैरह कर सकते हैं। ये हो गया जी। इसके बाद फुटबॉल बनाने के लिए ये देखें, इसके 6 पॉइंट्स करें, इसका एंगल चेंज किया, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ माउस का कर्सर लेके जाएं और राइट क्लिक से डुप्लीकेट, कंट्रोल आर रिपीट, इसको करें जी ऑब्जेक्ट स्नैप टू से, यहां से ये जी, ये बिल्कुल बराबर जो है यहां पे बैठेगा। और इसी तरह इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट, और इसके बाद है जी दायरा लगाएं, और अब इनमें फुटबॉल की तरह ब्लैक, ये देखें जी, इन सब को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, और ये प्यारा सा फुटबॉल जो है ये आपके सामने है। इस और ये सिर्फ पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, ये लोगो भी, फुटबॉल भी, ये एक शेप और ये शेप। इस टूल से बहुत ज़्यादा काम लिया जा सकता है। ये देखें जी, इसको थोड़ा सा बड़ा करें, शेप टूल ये, और इसके बाद ये याद रखें जी, इसके ऊपर शेप टूल को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना जी, टू कर्व, ये जितना भी होगा, जितने भी आप इसके कॉर्नर बनाएंगे ये उनको सबको जो है ये शेप टूल के साथ इसकी शेप दे सकते हैं। ये कलर चेंज करें, और इस चीज को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़बरदस्त से लोगो बनाए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस टूल की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस टूल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।